अमेरिका में 911 टेररिस्ट अटैक के बाद एक फैन ऑफिसर ओसामा बिन लादेन के बॉडीगार्ड को इंटेरोगेट, यानी कि उससे पूछताछ कर रहा था। अब शाम की बॉडीगार्ड अमेरिकन से बहुत नफरत करता था, इसीलिए वह इंटेरोगेशन में सहयोग करने को राजी नहीं था कि वो उल्टा अमेरिकन को गाली दे रहा था, बुरा भला बोल रहा था और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इस दौरान उसे अपने ऑफिसर ने नोटिस कराकर उस आदमी को जो चाय और बिस्किट दिए गए थे उसमें से उसने कुछ डर तक नहीं करता था। जिसके कुछ टाइम बाद ऑफिसर को यह पता चला कि चाय और बिस्किट सोमेश्वर थी और वह समय का बॉडीगार्ड डायबिटीज का प्रश्न था, जिस वजह से भूखा होने के बाद भी वो कुछ नहीं खा रहा था। जिसे देखते हुए अगली सुबह ऑफिस हमने उसे बिना चीनी वाली चाय और बिस्किट ऑफ करें। इस सिंपल एक्शन की वजह से उस आदमी का गुस्सा ठंडा हो गया और वह सही तरीके से बात करने लग गया। अब यहां हुआ ये ह्यूमन बिहेवियर का एक रोल अप्लाई किया गया। उस ऑफिस है, उस आदमी को जानबूझकर इस पैक और लाइन उसके साथ फिट कर दो, साथ में भी बदले में ऑफिसर को रिस्पेक्ट के साथ फिट करा और अच्छे से उनके साथ को फोल्ड भी करा, क्योंकि SBI के हाफ इंच अपने ऑफिसर से जानते हैं कि रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप उससे पहले दो। अब वैसे तो हर कोई चाहता है कि लोग उनके स्टार्ट करें। इसका एक सिंपल है कि अगर आप लोगों के सपोर्ट करोगे तो लोग भी बदले में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर फिर भी लोग इस पैक ना करें तो क्या करें। कल इसीलिए हम आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाले हैं जिन्हें स्टिकर आप लोगों से फिर इस पैक करवा सकते हो, आप अपने आसपास के सभी लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट कर सकते हो। चूंकि रिस्पेक्ट सिर्फ मांगने से नहीं मिलती बल्कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, सो Amazon से विद योर वर्ड्स थ्रू विद योर एक्शंस। एक बार इंटरव्यू में रतन टाटा से जब पूछा गया कि वो अंबानी की तरह दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं है, तो बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अंबानी इस बिजनेस में और हम टॉस इंडस्ट्रीज से, हमारा यह इस दुनिया को एक बैठक सोसाइटी बनाना, सिर्फ अपनी जेब से भरना नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं इस पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, ताकि से अपना घर बड़ा करना चाहता है। आप दोस्तों, अगर यही बात विजय माल्या बोल रहा होता तो आप अभी हंस रहे होते, पर क्योंकि रतन टाटा ने जो अपनी बहू शेयर करी उसके पीछे हूं। इलेक्शंस पॉसिबल है, टाटा सन्स ने दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों को इंप्रूवमेंट गया है और ग्लोबल एकेडमी के दौरान होने 1500 करोड़ डोनेशन करा था, और इसी वजह से दुनिया भर में रतन टाटा जी की आज बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि जो वह बोल रहे होते हैं वह उनके एक्शन से बहुत अच्छे से दिखाई भी देता है। लेकिन आज के वक्त में अधिकतर लोगों के पास है तो बड़ी बड़ी होते हैं, लेकिन उनके एक्शंस उनकी बातों के साथ मैच नहीं करते तो उनकी फैमिली फ्रेंड्स पार्टनर या आसपास के लोग उनकी बातों की और उनकी सपोर्ट नहीं करते। तो इसीलिए हमारे अवार्ड्स और एक्शंस भी आपस में मैच करने चाहिए, जिससे आप ये प्रूफ करो कि आप सिर्फ वादों से नहीं बल्कि रियलिटी में भी वही इंसान हो जैसे आप दुनिया को दिखा रहे हो, और आपके इस क्वालिटी से लोग आपको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। अब डोंट अपोलोजाइज, बैंक डोंट हैव प्रूव्ड। दोस्तों, अपनी गलती मानना, एक्सेप्ट करना कि आप गलत हो और आप अपने आप को पैठ बनाना चाहते हो, ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाता है। और अगर आप बार बार अपनी गलती मानते रहते हो, हर बार सॉरी बोलते रहते हो, तो इससे आप एक लिखित प्रश्न की तरह नजर आते हो जो हर बार कोई ना कोई मिस्टेक करता रहता है और अपनी मिस्टेक से सीखता भी नहीं। ऐसे लोग स्टेज पर 2 सॉरी बोलते हैं। शादी जब उनकी कोई गलती नहीं होती और सामने वाले केरल से या उन्हें अच्छा फील कराने के लिए भी लोग माफी मांगने लगते हैं और बात बात पर सॉरी बोलने लगता है, इससे सामने वाला भी उनके लिए रिस्पेक्ट फॉर देता है, जो कि वह हमेशा हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और उनका खुद का कोई सिस्टम नहीं होता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 चीजों के लिए आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए।